आग का योग कवर के निचले हिस्से को जवान बना देता है और आंतों का इतना अच्छा बैलेंस करता है कि आपकी कितनी भी पुरानी कब्ज हो उसको खत्म करता है और साथ ही यह कमर दर्द, साइटिका दर्द और कमर की जकड़न को खत्म करता है। तो योग को पूरा ध्यान से देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 37 एपिसोड और आज का योग है शर्वासन। शर्वासन को इंग्लिश में लोटस पोज के नाम से जाना जाता है। इस योग में अपने शरीर की आकृति सलभ यानी टीटे को इंग्लिश में ग्रास ऊपर भी कहते हैं उसके समान अपनी संरचना बनती है। इस योग से अपने चेस्ट, कमर और अपने पैरों में इतना अच्छा मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि पूरा शरीर एकदम हल्का होता है। तो आज के योग को शुरू करते हैं। शर्वासन योग का आपका अभ्यास तभी अच्छा होगा जब आपने पिछले वीडियो में अर्ध शर्वासन का अभ्यास किया है। तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे और जरूर देखें और उसका अभ्यास करें पहले और उसके बाद इस योग का अभ्यास करेंगे तो आपका बहुत आसानी से होगा और पूरा लाभ मिलेगा। तो शर्वासन योग का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले योगा पट्टी के ऊपर इस प्रकार मकरासन की स्थिति में लेट जाएं, दोनों पैरों को आपस में मिलाएं और दोनों हाथ के पंजे ऊपर की तरफ यानी हथेलियां आकाश की तरफ और अपनी ठोड़ी अपनी योगा पट्टी से चिपकी हुई इस प्रकार एकदम सही स्थिति बनाएं और फिर अपने राइट हैंड को अपने इस प्रकार यहां अपने जहां से रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है जिसको कमर बोलते हैं अपन वहां लगाना है और अपने लेफ्ट हैंड को आगे की तरफ रखना है इस प्रकार। अगर लेफ्ट हैंड आगे है तो अपने को पीछे वाला पैर राइट होना चाहिए। देखो इस प्रकार सांस को अंदर बढ़ते हुए इस प्रकार अगर अपन इसका अभ्यास करते हैं तो बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। मगर इसमें अपने को पैर के घुटने को फोल्ड नहीं करना चाहिए, आपसे जितना हो सके उतना खड़ा करें मगर पैर मुड़ना नहीं चाहिए एकदम। जैसे सांस को अंदर बढ़ते हुए इस प्रकार, चाहे आपका पैर कितना ही ऊंचा हो कोई दिक्कत नहीं, मगर पैर एकदम सीधा रहना चाहिए, नजर आपकी आकाश की तरफ इस प्रकार और सांस को फिर छोड़ते हुए वापिस योगा पट्टी पे इस प्रकार अपन करते हैं तो अपने कमर वाले हिस्से में इतना अच्छा मूवमेंट होता है और यहाँ एकदम फर्स्ट में ऐसे मालूम चल जाता है कि यहाँ की नसों में कोई खिंचाव आया है जिससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा। अब बस इसके विपरीत इसी प्रकार अभी अपन ने राइट यहाँ रखा था तो अब यहाँ लेफ्ट हाथ रखेंगे और राइट हैंड को आगे की तरफ और अपना पैर का पिछला हिस्सा लेफ्ट होगा। देखो इस प्रकार सांस को अंदर बढ़ते हुए जितनी देर आपसे हो सके 5 सेकेंड 10 सेकेंड अपनी सुविधा अनुसार और फिर वापस अपनी योगा पट्टी पे इस प्रकार रखें। इस योग का आप 10 से 15 टाइम तक अभ्यास करें तो बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। इस प्रकार अपन करते हैं तो अपनी छोटी आंत और बड़ी आंत में दोनों में अच्छा खिंचाव आता है जिससे कब्ज की समस्या खत्म होती है और आंतों का बैलेंस एकदम सही होता है और लीवर प्रॉपर वर्क करता है इसमें। और फिर इसका अभ्यास होने के बाद आप वापिस मकरासन की स्थिति में आए, दोनों हाथों को इस प्रकार रखें और माथे को यहां लगाएं और सांस को लंबे लंबे सांस लेने चाहिए जिससे अपने शरीर में ऑक्सीजन का लेवल सही रहता है और 2-3 सेकेंड सांस लेने के बाद फिर आपका शरीर रिलैक्स हो गया तो फिर इसकी सेकेंड मुद्रा करते हैं। सेकेंड मुद्रा में अपने इसी मकरासन स्थिति में अपने पैर के पंजे मिले हुए और हाथों में पीछे की तरफ इस प्रकार जॉइंट करते हैं और अपने नितंब से आगे की तरफ करते हैं और ठोड़ी यहाँ योगा पट्टी से चिपकी हुई इस प्रकार और सांस को अंदर बढ़ते हुए हाथों को पीछे की तरफ खींचना है इस प्रकार और नजर आकाश की तरफ इस प्रकार। आप जितनी देर हो सके इसमें रहें
तो इससे अपनी कमर की जकड़न खत्म होती है और छाती का विकास एकदम सही होता है, जिससे हार्ट प्रॉपर वर्क करता है। और जिनके सांस की दिक्कत होती है और जिनके फेफड़ों का सही विकास नहीं है, उनका भी विकास बहुत अच्छा होता है। तो यह योग बहुत ही कारगर योग है। इस प्रकार देखो, आप इस सांस छोड़ते हुए और फिर वापस इस प्रकार, तो इस प्रकार इस योग का अभ्यास करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। योग की क्रिया पूर्ण होने के बाद अपने हाथ के सहारे से इस प्रकार योग से पूर्ण हो। सर्वासन योग को अपन ने विधि में करके देखा, तो अब इसके लाभ के बारे में बात करें तो इस योग से अपने कमर के निचला हिस्सा एकदम जवान होता है, जैसे कमर दर्द, साइटिका दर्द और अपने पैर की मसल्स इतनी मजबूत और लचीली होती है कि शरीर एकदम हल्का होता है। और किसी भी नसों में अगर ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट है तो उसमें भी बहुत लाभ मिलता है। दूसरा अगर इसका लाभ देखें तो इस योग से अपने कमर की जकड़न खत्म होती है और रीढ़ की हड्डी की सभी 32 की 32 पट्टिकाओं में मूवमेंट होता है, जिससे किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता। तीसरा अगर इसका लाभ देखें तो इससे लीवर और पेट के आंतरिक अंगों का इतना अच्छा बैलेंस होता है कि पुरानी से पुरानी कब्ज खत्म होती है और छोटी आंत और बड़ी आंत में अच्छा मूवमेंट आता है, जिससे अपने भोजन का डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। चौथा अगर इसका लाभ देखें तो इससे अपनी छाती चौड़ी होती है और श्वसन संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो खत्म होती है और हार्ट प्रॉपर वर्क करता है। सर्वासन योग की सावधानियों की अगर बात करें तो जिनके हाई बीपी की समस्या है उनको इस योग से परहेज करना चाहिए, और जिनके पेप्टिक अल्सर या किसी के हर्निया की दिक्कत है तो उनको भी इस योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए, और जो गर्भवती माताएं बहने हैं उनको भी इस योग का परहेज करना चाहिए। और सभी के लिए यह योग बहुत अच्छा है, इससे पूरा शरीर फ्लेक्सिबल होता है और पूरे शरीर में मजबूती आती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे और वीडियो देखने के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।